हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा था कि सर ये बताइए कि सीआरटी ऑफ आइडियल्स क्या है, है ना। एक तो सीआरटी आप लोगों ने देखा था कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कि यूनिक सॉल्यूशंस जब आप लोग फाइंड आउट करते थे, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में उसके टर्म में हम लोग करते थे। ये दोस्तों ये आइडियल्स के टर्म है, तो यहाँ देख लीजिए ऐसे वहाँ पर भी हम लोग जी सी डी लेते हैं नंबर का। और यहाँ पे देखे तो ये सी आर टी फॉर आइडियल्स है दोस्तों, आइडियल्स आराम से देख के बहुत इजी चीज है, ज्यादा बोदर होने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोई रिंग है और ये हमारा दो आइडियल है, ठीक है ना। तो कहता है कि इसको हम ऐसे प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, कब, जब हमारे पास R क्या होना चाहिए, CRU कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। दोस्तों ये GCD ऑफ I1 कोमा I2 1 होना चाहिए। दोस्तों इसी को बोलता है कि को मैक्सिमल, एक को मैक्सिमल, को मैक्सिमल लाइक क्या लिख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि I1 प्लस I2 बिकम्स एंटायर इन दिस, है ना। और I1 इंटरसेक्शन I2 को हम लोग क्या लिखेंगे, इस टाइप, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका बेसिक चीज है कि रिंग शुड बी CRU एंड GCD ऑफ I1 कोमा I2 है ना 1 होना चाहिए, है ना। इसको ये को मैक्सिमल बोल रहा है इसके टर्म में। दोस्तों इसको देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये याद रखना है GCD ऑफ बोथ आइडियल शुड बी 1, है ना। को प्राइम जिसको हम लोग एलिमेंट के टर्म में बोलते हैं और आइडियल के टर्म में को मैक्सिमल बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को कुछ न्यू जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिले। देखे तो कैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए ये हमको दिया हुआ है x²-1। एक क्वेश्चन देख लेता हूँ दोस्तों कुछ इस टाइप का। हाँ, एक क्वेश्चन इसी को थोड़ा कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x²-1 = x + 1 × x - 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस जीसीडी ऑफ एक्स प्लस वन कॉमा एक्स माइनस वन, है ना, देर इज नो फैक्टर कॉमन इन बोथ, है ना, दोनों के फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये सीआरयू तो है ही। अब यहाँ से देखिए दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, qx / x²-1 जो कैसा लिखा गया दोस्तों, 2x / ये तो इक्विवेलेंट ही है x + 1 × x - 1, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे 2x / x - 1 × qx / x + 1, ठीक है। देखिए दोस्तों ये तो इस पर रिड्यूस कर रहा है, ये भी इस पर रिड्यूस कर रहा है, इसको क्या लिखेंगे, क्यू। दोस्तों यहाँ पे सावधानी ना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का देखते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कहाँ पे लेके जा रहा है, तो आपको बहुत ही सतर्कता के साथ चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। बट वी मस्ट हैव द वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ सीआरटी और उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज जानना जरूरी है दोस्तों। एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो हमारे फील्ड थ्योरी का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक, जो मैं हमेशा रिजल्ट की बातें करता हूँ कि फेपू आई सीआरयू आरयू और आई की जो बातें करता हूँ, बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए क्वेश्चन आना नहीं आना पेपर में सीआरसाइड में किस टाइप से डालता है, उनका क्या माइंडसेट है, वो अलग बात है, लेकिन जो एक हमारा सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये जो एक फील्ड थ्योरी का कह सकते हैं एक्सट्रीम नॉलेज की बात करता है, तो वो यहाँ पे आके अप्लाई होना स्टार्ट होता है। सो वी मस्ट हैव द साउंड नॉलेज ऑफ फील्ड थ्योरी। दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत सारी बातें आपको ये क्लियर करेगा, जैसे ये क्लियर करेगा कि ये जो आइडियल है ये मैक्सिमल होगा, प्राइम होगा, क्या क्या केस हो सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों पहले तो यहाँ से देखिए ये क्या है हमारा, इसको हमने लिखा इस टाइप से। अच्छा दोस्तों पहले ये क्या है इसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए कि आइडियल है क्या, सॉरी इंटीग्रल डोमेन है क्या, पहले इसकी चर्चा करते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। दोस्तों क्या फे की बात मैंने कर दिया, फे पू आई,
दोस्तों ये फील्ड है, ये यूक्लिडियन डोमेन है, ये पीआईडी है, ये यूएफबी है, ये आईडी है। सारा चीज अच्छा से देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा फील्ड है, फील्ड है दोस्तों, ये भी फील्ड है। मोर ओवर एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो आईडी भी है और आईडी भी, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन मोर ओवर फील्ड नीड नॉट टू बी अ फील्ड और नीड नॉट टू बी एन आइडियल। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा समझने में। क्या मैंने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता है, नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। सिमिलरली केस ऐसे में लिखा है, सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कुछ भी यहाँ से आप नॉन जीरो एलिमेंट्स उठा लें, है ना, हमको पता है कि इंटीग्रल डोमेन हैज नो जीरो डिवाइजर, तो वही वाला केस इसमें लग जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा ओके दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा बस आप लोग बेसिक्स याद रखें कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर का क्या दोस्तों डेफिनेशन है, कि ए इज नॉन जीरो एंड बी इज नॉन जीरो बट देयर प्रोडक्ट शुड बी जीरो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ये जीरो डिवाइजर हो जाता है। जैसे आप लोग जेड सिक्स के बारे में जानते हैं ना, इसका टू और थ्री एलिमेंट जो है, टू और थ्री का मल्टीपल सिक्स होता है, और इस इंटीग्रल है ना, इस इंटीजर मॉडलों के कोरिस्पॉन्ड दोस्तों ये क्या दे देता है, जीरो। बोथ आर नॉन जीरो बट देयर प्रोडक्ट इज जीरो, सो जेड सिक्स इज नॉट, है ना, इसके पास जीरो डिवाइजर हो गया, मतलब ये नाउ क्या नहीं रह जाएगा दोस्तों, ना ही इंटीग्रल डोमेन होगा ना ही फील्ड होगा। तो ओके दोस्तों, तो इसको बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या है, क्यू क्या है, इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन है बट प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। सिंपल सी बात है, कुछ नॉन जीरो ले लीजिए, है ना, कुछ नॉन जीरो ले लेंगे तो ये क्या करेगा दोस्तों, इंटीग्रल, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो कभी जीरो बना ही नहीं पाएगा, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है, वन ऑफ देम शुड बी जीरो वाला केस आएगा। चलिए यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है दोस्तों कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन, इसके बारे में, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता, पहली बात इसकी करें, है ना, जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हुआ तो एन इंटीग्रल डोमेन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द फील्ड, एक्सटेंड कर सकते हैं उसमें एक वर्ड लगा के फाइनाइट, लेकिन पहले तो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड नहीं होगा। दोस्तों यहां से आप लोग ना बहुत अच्छे से इस चीज को समझते जाइए, मैंने ये बोला कि देखिए ये रिजल्ट काफी बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है, है ना, दिस वे, एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन डोमेन, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज पीआईडी, एवरी पीआईडी इज यूएफडी एंड एवरी यूएफडी इज इंटीग्रल डोमेन, लेकिन उस साइड से भी जबरदस्त यूज होता है। अगर ये निगेशन हो जाता है, मतलब अगर ये आईडी नहीं होता है दोस्तों, तो देखिए इस साइड से भी इसका कमाल का यूज होगा, इस साइड में से सब में निगेशन स्टार्ट कर देगा इस साइड से, अभी तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जाएगा, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट यूएफडी, नॉट पीआईडी, नॉट एडी, नॉट फील्ड। दोस्तों जब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हुआ तो देखिए सारा चीज इसका फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, ना ये है ना ईडी पीआईडी यूएफडी, ये तो पहले ही है ही नहीं, इसी के थ्रू हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि यू मस्ट हैव द, पहले तो बहुत अच्छी पकड़ आप बनाइए चीजों पे, कि चीजें किस तरीके से, है ना, चीजों को एक्सटेंड किया जा रहा है, पहले बेसिक्स का बहुत अच्छे से नॉलेज रखिए, उसके बाद हम लोग चीजों को रैप करें। इसलिए मेरा ये कहना है कि हो सकता है जो भी दोस्तों नए दोस्तों होंगे, जो भी मास्टर्स अभी किए हैं या फिर कर रहे हैं और जो तैयारी पे लगे होंगे, या जो बीएससी के स्टूडेंट हैं, हो सकता है उनको बेसिक्स रियली में ही नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट ऊपर से उठाया था, चीज़ों के रिजल्ट को यूज करना स्टार्ट करा था। तो अगर आप लोग दोस्तों चाहें तो मैं मॉडर्न अलजेब्रा को ही शुरू से स्टार्ट करूँ या फिर दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करूँ, प्लीज़ प्लीज़ करके कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये देख लीजिए यहाँ से, तो ये आपका क्लियर हो गया कि ये क्या है दोस्तों, ना इंटीग्रल डोमेन, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी फेल होगी। इसी के बेस पे 10 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईआईटी जेएन में बहुत फेमस क्वेश्चंस पूछा जाता है, पीएचडी में रहता है ये स्टेप पर। ओके दोस्तों, तो अब हमारा मेन ये था टारगेट की इसके बारे में हम लोग डिसाइड करना, पेपर हमसे ये पूछता है कि हाउ मेनी आइडियल्स, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था पिछले साल में पूछा था, है ना, x टू द पावर m माइनस 1 देके पूछ रहा था कि बताइए कितने हाउ मेनी प्राइम आइडियल्स शुड बी पॉसिबल, हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल्स शुड बी पॉसिबल एंड हाउ मेनी टोटल आइडियल्स शुड बी पॉसिबल।
सो एनी रिजल्ट लाइक टाउ एन फंक्शन इज अप्लीकेबल है ना, इसको हम अप्लाई तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव हैड द बेसिक नॉलेज है ना ऑफ द एंटायर थिंग। तो आपको वो पहले होनी चाहिए है ना, अगर वो नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं इसको समझा के फिर एक्चुअली ये किन्हीं का क्वेश्चन था तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छा से समझा देता हूँ, क्योंकि जब हम शॉर्ट वीडियोज बना रहे थे तो उसमें हमारे पास है ना इतना टाइम नहीं था किस चीज को इतने डेप्थ में लेके चले जाए। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आ गया, तो यहाँ से देखिए क्या मिला, ये हमारा बन गया ठीक है ना, रिंग बन गया दोस्तों। इसके बारे में आपने सारी जानकारी ले ली कि क्या है और क्या नहीं है, है ना। अब जरा यहाँ से देखिए कितने आइडियल बनेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला, तो नंबर ऑफ आइडियल्स कितने होंगे, सेकेंड नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स कितने होंगे, और थर्ड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स कितने होंगे। अगर आपने अच्छी पकड़ बना रखी है तो दोस्तों रियली में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। पहले आप आराम से समझ लीजिए, एवरी फील्ड और इंटीग्रल डोमेन हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स, दोस्तों कितने होते हैं, टू आइडियल्स होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, एक तो आप देख लीजिए पहले तो यही है सिंगलटन जीरो और एफ है ना, इसमें लेंगे तो वैसा ही सिंगलटन जीरो और जो भी आईडी रहेगा वो रख लीजिए, तो एग्जैक्टली टू आइडियल्स होता है। तो ये आइडियल्स दो हो गए है ना, आइडियल्स दो, और ये क्या होता है दोनों केस में प्राइम आइडियल है ना, प्राइम आइडियल भी होता है और मैक्सिमल आइडियल भी होता है। तो दोस्तों इसके फील्ड में तो ये दोनों हो जाता है, क्योंकि अभी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो है ना मैक्सिमल आइडियल भी बनेगा फील्ड पे और प्राइम आइडियल बनेगा, कि फील्ड इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन, यहाँ तक तो कुछ नहीं। इसमें आपको पता है कि इंटीग्रल डोमेन है दोस्तों, तो इस पे ये क्या बनेगा, प्राइम आइडियल बन सकता है। ये पता है कि इंटीग्रल डोमेन है तो ये तो प्राइम आइडियल बनेगा दोस्तों, लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं बन सकता है। सिंपल सी बात आप देख लीजिए कि अगर हमारा जेड क्या है दोस्तों, इंटीग्रल डोमेन है, और ये तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है जेड के, ये क्या है दोस्तों इंटीग्रल डोमेन है ना, इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है फील्ड नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है तो ये कैसा बन जाएगा प्राइम आइडियल, लेकिन ये कैसा नहीं बनेगा मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। आपने इफ एंड ओनली प्रॉपर्टीज लर्न कर रखा होगा ग्रेजुएशन में, क्या बोलता है कि हमारे पास अगर ये क्या हो सी आर यू दोस्तों, ये अगर ये सी आर यू है और ये आइडियल है ना, तो ये जो फैक्टर रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन तभी बनता है जब ये आई क्या होता है प्राइम आइडियल, और ये फील्ड कब बनता है इफ एंड ओनली आई इज मैक्सिमल आइडियल। तो ये आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी लर्न कर रखा होगा, तो इट माइट हेल्प यू अलॉट दोस्तों। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी कि इंडिविजुअली अगर बात करते हैं तो एवरी फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन हैज टू आइडियल्स एंड वन मैक्सिमल आइडियल एंड वन प्राइम आइडियल, ये तो चीजें क्लियर है। अब प्रोडक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं, देखिए प्रोडक्ट के रूप में ये बात है तो पता लग गई कि इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है फील्ड भी नहीं है बट ये रिंग है दोस्तों, इससे आप कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए दोस्तों टोटल आइडियल की बात पहले कर लेते हैं हम लोग, इसके पास दो आइडियल है, इसके पास भी दो आइडियल है, और प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना केस बन जाएगा, एक तो ये देख लीजिए है ना, एक तो हमारा ये बनेगा, एक हमारा ये बन गया और एक हमारा ये बन गया। सो नंबर ऑफ आइडियल्स दोस्तों कितना हो गया, फोर। सो नंबर ऑफ टोटल आइडियल्स आर फोर। इसमें से हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स दोस्तों इसमें टू बनेगा और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल भी टू रहेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसको मिटाता हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग या फिर आपको जो अच्छा लगे। अब देखिए इसमें सिंगलटन जीरो इंटू क्यू और क्यू इंटू सिंगलटन जीरो, ये दो ही सिर्फ मैक्सिमल आइडियल भी बनेगा और प्राइम आइडियल बनेगा, ठीक है ना, कैसे वो देख लीजिए।
पहले के कोरस्पॉन्ड में मैं बातें कर लेता हूँ, सिंगलटन जीरो इंटू क्यू। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, है ना, ये तो इससे ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यू दोस्तों, यहाँ से सिंगलटन जीरो बन गया, है ना। तो दोस्तों ये क्या रह जाएगा, हमारा क्यू रह गया। अब देखिए ये क्या है, फील्ड है, फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन भी होगा दोस्तों, तो इससे ये क्या बन जाएगा, सीआरयू तो है ही, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, प्राइम आइडियल भी बना और मैक्सिमल आइडियल भी बना, है ना, सिमिलरली इसमें भी और इसमें भी। तो क्या पता लगा कि जब भी इस टाइप का प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों, तो उसमें अगर दो रहेगा तो फोर आइडियल्स बनेंगे, जिसमें दो प्राइम आइडियल होगा और दो मैक्सिमल आइडियल होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब ये बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक मैं जनरलाइजेशन कर देता हूँ इस चीज को, शायद आपको ज्यादा अच्छे से याद रहे। मान लिया जाए दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन या फील्ड इस टाइप से लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और इस केस में अगर बोला जाता है कि नंबर ऑफ आइडियल्स, देखिए हर एक के पास दो दो चॉइस है, तो कितना हो जाएगा, अगर ये हमारा टोटल मान लीजिए एम टाइम्स आया, तो हमारा टू पे पावर एम, सो एग्जैक्टली देखिए एक में क्या है, एक में दो आइडियल, इस वाले में टू टू जा फोर आइडियल, क्यू इंटू क्यू करते तो दोस्तों टू पे पावर थ्री आइडियल्स, है ना, इस तरीके से। तो एम टाइम्स आया तो इतने आइडियल्स, और नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स कितने बन जाएंगे दोस्तों, तो इसमें समझ लीजिए क्यू में एक बनता है सिंगलटन जीरो, है ना, क्यू क्रॉस क्यू में कितना बनता है दोस्तों, इसके पास दो चॉइस है, है ना, तो ये हमारा दो बना। तो जितना रहेगा एक में एक दो में दो, तो इसमें दोस्तों कितना है देखिए एम टाइम एम रह जाएगा, सो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स दोस्तों कितना हो जाएगा एम। तो ये आपको याद रखना है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो आपको मेरी कोशिश रहेगी आपको हर एक चीज़ें एक क्लियर कट में आपको समझ में आए और बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था उसकी बातें मैं कर लेता हूँ, यहाँ तक अगर आप पहुंच पाते हैं ना तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि शायद एक मिनट का भी नहीं रह जाएगा कोई क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा था, x टू द पावर m माइनस 1 दोस्तों इसमें पूछा था कि आप ये बताइए कि कितने आइडियल्स एग्जिस्ट करेंगे m के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। दोस्तों मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि m का वैल्यूज क्या था, लेकिन मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ आइडियल्स ये इसका बन जाएगा दोस्तों टू पे पावर tau m है तो tau m नंबर ऑफ मैक्सिमल। ये अभी आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है वो तो मुझे पता नहीं, पर दोस्तों नंबर ऑफ प्राइम आइडियल भी होगा, है ना, इस सब का ये टू टाइम्स बन जाता है। चलिए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पहला फॉर m इक्वल्स टू, दोस्तों देख लीजिए अगर m इक्वल्स टू बन रहेगा और भी बातें कर लेते जो भी क्वेश्चंस पूछना होगा, लाइक m इक्वल्स टू शायद 4-5 भी पूछा था, 4-5 पे देख लीजिए। तो दोस्तों ये पे क्या चढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आइडियल्स कितना बन जाएगा दोस्तों, टू पे पावर टाउ फोर। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्त, इस पे देखिए कितना पावर चढ़ जाएगा दोस्तों, 2+1 तो 3, सो 8 टाउ फोर। यस इसको मैं समझा भी देता हूँ आराम से। और फॉर एम इक्वल्स टू 5 दोस्तों ये देख लीजिए नंबर ऑफ आइडियल्स कितना दोस्तों बन जाएगा, नंबर ऑफ आइडियल्स बन जाएगा इसके टर्म में 5 के टर्म में 2 पे पावर टाउ 5, सो देखिए पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 1+1 सो 4। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि फॉर एम इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ मैक्सिमल और प्राइम आइडियल तो क्या बनता, टाउ 4 सो टाउ 2 के स्क्वायर, ये क्या होता है 2+1 3, तो दोस्तों ये 3 बनता। और यही क्वेश्चन आपका सीएसआर नेट का फॉर एम इक्वल्स टू 5 दोस्तों क्या बनेगा,
नंबर ऑफ प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमल आइडियल शुड बी टाउ 5, सो 1+1 बिकम्स 2 दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो आराम से बन जाएगा, और आप लोग बोलिएगा इसको डिटेल्स में समझा दें तो वो भी कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेरी होगा तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, अगले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपसे क्लियर हो जाए और कुछ भी डाउट्स ना रहे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इस सब चीज़ का आप यूज़ तभी कर पाएंगे यू हैव द गुड नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज द नंबर ऑफ आइडियल्स एज अ टाउ फंक्शन एंड टू पावर टाउ फंक्शन, तो इस टाइप से। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो भी आपकी क्वेरीज हो गई वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक पिछले वीडियोज में मैंने वो क्वेश्चन 3-डिजिट पिन वाला कोशिश कराया कि शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। एक्चुअली 00 वाला जो केस है दोस्तों, तो अगर तीनों जीरोज हो जाता है तो वो 3-डिजिट का पिन बन नहीं पाएगा, 3-डिजिट का नंबर ही नहीं बन पाएगा, तो उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। सो नाउ वी हैव ओनली 45 एलिमेंट्स, तो दोस्तों वो देख लीजिएगा आप लोग। अगर कुछ भी क्वेरीज होगा, कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए शुभरात्रि, सबा खैर, ठीक है, गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू बाय। दोस्तों प्लीज़ देखिए कितना मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।